आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए गेम मोड FFA6 बैटल रॉयल के बारे में। इस गेम मोड को दो गेम मोड्स FFA4 और बैटल रॉयल को मिलाकर बनाया है। जैसा कि आपको पता है कि FFA4 में सभी प्लेयर्स आपस में बैटल करते हैं और जो लास्ट में बच जाता है वही विक्टोरियस होता है, और जो बैटल रॉयल है उसमें सभी प्लेयर्स आपस में लड़ाई करते हैं और मैप भी श्रिंक होता रहता है। जो प्लेयर आप लास्ट तक सर्वाइव करता है वही विक्टोरियस होता है। इस गेम मोड FFA6 बैटल रॉयल में भी बिल्कुल उसी तरह से लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंट है कि जो स्मॉल कंटेनर्स हैं और जो लार्ज कंटेनर्स हैं उनके अलावा मैप के सेंटर में एक स्पेशल लार्ज कंटेनर कुछ समय के बाद में ड्रॉप होता है जिससे कि लेवल 2 का हीरो निकलता है। इसके अलावा स्मॉल कंटेनर से बैटल रॉयल की तरह ही इन्फेंट्री तथा लार्ज कंटेनर से साइक्लोन या ड्रैगन फ्लाई या फिर जो व्हीकल्स हैं वो निकलती हैं। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो मैप के सेंटर में जो लार्ज कंटेनर है जिससे कि लेवल 2 का हीरो निकलता है उसे आप ज़रूर कैप्चर करें। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक येलो सर्किल दिखाई दे रहा है मैप के सेंटर में। इस येलो सर्किल के अंदर ही वह लार्ज कंटेनर ड्रॉप होता है जिसे कि आप अगर ले लेते हैं तो उसमें से आपको एक लेवल 2 का हीरो निकलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप मैप के सेंटर में जाते हैं तो आपको सभी साइड से अटैक्स का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्मॉल कंटेनर्स को भी कैप्चर करना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने भी इस बैटल में अपने यूनिट्स को चारों तरफ मैप में घुमाते हुए काफ़ी सारे यूनिट्स को गैदर किया है। अगर आप रेड जोन के अंदर अपने यूनिट्स को रखते हैं तो उनको डैमेज मिलता है और धीरे धीरे उनका HP कम होता जाता है। इसलिए आपको अपने आप को रेड जोन से बचाते हुए मैप के सेंटर की ओर धीरे धीरे मूव करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग सभी साइड से मेरे ऊपर ओपोनेंट्स ने अटैक करने शुरू कर दिए हैं, और जो प्लेयर मैप के सेंटर में होता है उसके ऊपर अलग अलग साइडों से और सभी ओपोनेंट्स या फिर कुछ ओपोनेंट्स जो उस समय अवेलेबल होते हैं वो अटैक करते हैं ताकि वो जो सुपर कंटेनर है उसको कैप्चर ना कर पाए। लेकिन अगर आप इसको कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि जो हीरो है उसको डिस्ट्रॉय करना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसके कारण आपके पास एक एडवांटेज होता है क्योंकि प्लेयर्स आपके नज़दीक आने से पहले सोचते हैं। और आपका अगर हीरो अपग्रेडेड है तो आपको ये काफ़ी मदद करने वाला है। हो सकता है कि यह आपको बैटल के अंदर जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बैटल पसंद आया होगा। अगर आपको बैटल पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। धन्यवाद।